किन्नौर के भुवरकुआ पुलिस ने मंगलवार सुबह हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में लिया है। गाड़ी टकराने के बाद हुए विवाद के बाद कार सवार पिता पुत्र ने ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला भुवरकुआ थाना क्षेत्र के खंडवा नाका चौराहे का है। यह मंगलवार सुबह भावना नगर निवासी ऑटो चालक लोकेश पिता जगदीश सावले की ऑटो एक कार चालक से टकरा गई थी, जिसके बाद कार सवार राजेश शुक्ला और उसके पुत्र अंकित शुक्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता व पुत्र को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने महज दो घंटे में ही आरोपियों को हिरासत में लेकर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आज दिनांक को खंडवा रोड गणेश नगर के आगे चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालक कार चालक के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें कार चालक द्वारा गोली चलने से ऑटो चालक लोकेश पिता जगदीश सावले निवासी भावना नगर इंदौर की मृत्यु हो गई है। उस पर से अपराध क्रमांक 82/2021 कायम कर उसकी विवेचना की जा रही है। अभी वर्तमान में कार चालक राजेश शुक्ला और अंकित शुक्ला को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है।